नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अब त्रिशूल लेगा लव जिहाद से लोहा। भगवा नेताओं ने हिंदू लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए थमा दिए हैं त्रिशूल। हवाला तो मां दुर्गा का दिया जा रहा है, लेकिन असल मकसद कुछ और नजर आता है, जिसका जिम्मा संभाला है वीएचपी की महिला विंग दुर्गा वाहिनी ने। गुजरात के भुज में दुर्गा वाहिनी ने 2000 लड़कियों को त्रिशूल दीक्षा दी। लव जिहाद से लोहा लेगा त्रिशूल, भगवा ब्रिगेड का राग लव जिहाद। हिंदू धर्म की नारियां स्त्री जो दूसरे धर्म में जा रही हैं, उस धर्म में जाने से उन्हें अटका सके। धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल, धर्मांतरण और दुर्गा वाहिनी का नया दाव। भगवा टोली का नया शगुफा देखिए। दुनिया चांद पर जाती है तो जाए, हिंदुस्तान की बेटियां अंतरिक्ष पर पताका फहराती हैं तो फहराए, इन्हें क्या। हिंदुस्तान की बेटियों को लेकर इनकी अपनी सोच है। वो सोच कितनी वाजिब है, कितनी दकियानूसी है, इनके लिए तो ये सवाल ही बेमानी है। जाहिर है ऐसे सवालों का जवाब भी इनके लिए कोई वजूद नहीं रखता। इसलिए तो आज के दौर में भी त्रिशूल लेकर निकल पड़ी है दुर्गा वाहिनी की फौज। गुजरात के भुज में विश्व हिंदू परिषद के महिला संगठन दुर्गा वाहिनी ने आयोजित किया त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। सियासत और नफरत से सराबोर दुर्गा वाहिनी के इस कार्यक्रम का मकसद था लव जिहाद से लोहा लेने के लिए हिंदू लड़कियों को तैयार करना। दुर्गा वाहिनी चाहती है कि प्रत्येक युवती अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इतनी सक्षम हो जाए, तो कभी कभी एक हथियार का कभी हाथ में पकड़ा भी हो तो उसका एक भाव रहता है, उसमें एक सुरक्षा का भाव उससे पैदा होता है, थोड़ी हिम्मत आती है, इसके कारण ये प्रतीक रूप में हम दे रहे हैं। भगवा ब्रिगेड की नजर में लव जिहाद के मायने हैं किसी हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी कर लेना। शादी के बाद लड़की मुस्लिम हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी का मानना है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, नासमझ होती हैं। मुस्लिम लड़के उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं और फिर मुस्लिम बना लेते हैं। ऐसे में लड़कियों को मुस्लिम धर्म में जाने से बचाने के लिए उन्हें ताकतवर बनाना होगा, और लड़कियों के पास ये ताकत देने की मंशा से ही दुर्गा वाहिनी ने भुज में आयोजित किया त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। हम चाहते हैं कि लव जिहाद क्या किसी भी प्रकार के फ्रॉड में हमारी युवतियां न फंसे, इसके कारण ये हमारा जो कार्यक्रम है, और हमारा तो ये तो एक सम्मेलन है, बाकी हमारे निरंतर कार्यक्रम चलते हैं, और निरंतर कार्यक्रमों में हम सिखाते हैं, दुर्गा वाहिनी की शक्ति को जागृत करते हैं। दुर्गा वाहिनी दलील देती है कि त्रिशूल दीक्षा नाम का ये कार्यक्रम सिर्फ लव जिहाद के खिलाफ नहीं बल्कि धर्मांतरण और गौवंश हत्या के खिलाफ भी है। अपनी जिस सोच और मकसद के साथ दुर्गा वाहिनी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसका असर भी यहाँ पहुंची लड़कियों में दिखा। कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि जो हिंदू धर्म की नारियां स्त्री जो दूसरे धर्म में जा रही है, उस धर्म में जाने से उन्हें अटका सके। मजहब के जिस चश्मे से ये भगवा ब्रिगेड आज की युवा पीढ़ी को देख रही है, क्या वो सच है, ये बड़ा सवाल है जिस खतरे का अंदेशा जताकर दुर्गा वाहिनी और इस जैसे संगठन अपनी सियासत चमका रहे हैं। क्या उस पर कभी लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भगवा फौज को सख्ती से सबक दे चुके हैं कि ऐसी किसी भी हरकत या बयान को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पीएम मोदी की ये नसीहतें खुद उन्हीं के राज्य गुजरात में इन त्रिशूलों की शक्ल में बिखर रही है। भुज से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लव जिहाद के नाम पर मजहबी हंगामे की यह कोशिश दुर्गा वाहिनी ने पहली बार नहीं की है। दुर्गा वाहिनी का दावा है कि अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 70,000 लड़कियों को त्रिशूल दीक्षा दी गई है। सवाल यह है कि क्या एक त्रिशूल से रुक जाएगी किसी हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की की शादी। त्रिशूल थामे बैठी ये लड़कियां
अब किस मिशन पर निकलने वाली हैं। फूल को चिंगारी बनाकर अब दुर्गा वाहिनी किसे जलाना चाहती है? परम पिता परमेश्वर। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को लव जिहाद का नाम देकर भगवा ब्रिगेड हमेशा से तूफान खड़ा कर रही है। देश के तमाम हिस्सों में ऐसी शादियां होती हैं और उनमें से कई शादियों के अंजाम बुरे भी होते हैं। तो क्या दुर्गा वाहिनी की ओर से बांटे जा रहे हैं ये त्रिशूल उन बुरे अंजाम वाली शादियों के जख्म को भर देगा? दो दिलों के बीच दीवार बनेगा त्रिशूल, हिंदू लड़की को बचाएगा त्रिशूल, त्रिशूल से रुकेगी हिंदू मुस्लिम शादी? क्या एक त्रिशूल भर थाम लेने से मिट जाएंगी इन लड़कियों की मुश्किलें? वैसे जिस सियासी और मजहबी मसले को दुर्गा वाहिनी चिंगारी की तरह भड़काने की कोशिश कर रही है उस पर सवाल ना खड़े हो, इसके लिए धर्मशास्त्रों की दलील भी इनके पास है। युवतियों को त्रिशूल देना यानी उसकी शक्तियों को जागृत करवाना। वैसे देवी के तीन स्वरूप मूल रूप में माने गए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो त्रिशूल ये तीन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतीक है। इसके द्वारा हम युवतियों को उसके अंदर पड़ी शक्तियों को जागृत करने की बात करने वाले हैं। यही त्रिशूल दीक्षा का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। देश की बेटियों को हर मुकाबले के लिए तैयार करना, उन्हें ताकतवर बनाना, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब किस सोच के तहत किया जा रहा है, किस बुनियाद पर किया जा रहा है? गुजरात के भुज में दुर्गा वाहिनी ने करीब 2000 लड़कियों को त्रिशूल थमाए, लेकिन दुर्गा वाहिनी का ये कार्यक्रम सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। इससे पहले दुर्गा वाहिनी राजस्थान में भी ऐसा ही कार्यक्रम कर चुकी है। वहां भी लड़कियों को इसी तरह त्रिशूल बांटे गए थे। गुजरात के आगे भी दुर्गा वाहिनी का ये कारवां बढ़ना तय है। दुर्गा वाहिनी का दावा है कि अब तक 70,000 लड़कियों को त्रिशूल दीक्षा दी जा चुकी है। सवाल ये है कि दुर्गा वाहिनी और इनके तमाम सहयोगी संगठन ये क्यों मानते हैं कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का प्यार हमेशा झूठा होता है? हर बार उसका मकसद हिंदू लड़कियों को सिर्फ मुस्लिम बनाना होता है, और दो दिलों को एक त्रिशूल या तलवार कैसे जुदा कर सकती है? इन सवालों के जवाब शायद दुर्गा वाहिनी के पास भी नहीं होंगे, किसी भगवा संगठन के पास नहीं होंगे, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर देश में चल रही है कोरी सियासत, और इसी सियासत के खेल में बात त्रिशूल तक पहुंच गई है। भुज से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भगवा ब्रिगेड पहले भी लव जिहाद का मुद्दा उठाती रही है, सांसद साक्षी महाराज और सांसद योगी आदित्यनाथ से लेकर साध्वी प्राची तक, ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। दुर्गा वाहिनी की ओर से त्रिशूल बांटकर इस बवंडर को नई तरह से गरमाने की कोशिश की जा रही है। यही दुर्गा वाहिनी इससे पहले भी एक पोस्टर के जरिए काफी हंगामा खड़ा कर चुकी है। त्रिशूल से पहले दुर्गा वाहिनी ने लव जिहाद के खिलाफ चला था ये तीर। इस साल की शुरुआत में ही दुर्गा वाहिनी के इस पोस्टर ने तहलका मचा दिया था। दुर्गा वाहिनी की मैगजीन हिमालय ध्वनि में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की फोटो को बदलकर इस तरह छापा गया, जिसमें वो आधी मुस्लिम आधी हिंदू नजर आ रही थी, क्योंकि करीना कपूर ने जाने माने एक्टर सैफ अली खान के साथ निकाह किया था। मोदी के सांसद साक्षी महाराज भी लव जिहाद पर जहर उगलते रहते हैं। पिछले साल सितंबर में साक्षी महाराज ने मुस्लिमों पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाते हुए बाकायदा रेट लिस्ट तक बता दी थी। कुछ मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल करके, रूप बदल करके, हिंदू का परिवेश बना करके हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया, ऐसे उनके रेट फिक्स हैं। साक्षी महाराज का कहना था कि दूसरे मजहब की लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी करने और उन्हें मुस्लिम बनाने के इस पाखंड के लिए पैसा अरब देशों से आता है।
हालांकि आज तक से खास बातचीत में जब बीजेपी सांसद से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा होने से साफ इनकार कर दिया। संत प्रभु लव जिहाद क्या समझा रहे हैं? मैं उस चक्कर में फंसा ही नहीं। हाँ। तो मैं क्या ना लव को जानता हूँ ना जिहाद को। लव जिहाद नहीं है ना कभी उत्तर प्रदेश में, कभी लव जिहाद कहीं पे नहीं हुआ। मुझे जानकारी नहीं है, होगी तो बोलूंगा आपके सामने। नहीं तो आप तो बोले लव जिहाद को लेकर के कि मोटिवेट किया जाता है मदरसों में, लव जिहाद के लिए कैश अवार्ड दिया जाता है, तो तब किस उसमें बोला आपने? कहीं आप जैसे ने समझा दिया होगा, मैंने बोल दिया होगा। साक्षी महाराज से पहले भगवा ब्रिगेड के एक और आलम्बरदार योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद की आग को अपने बयान से भड़काया था। पिछले साल 26 अगस्त को आया था बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो, जिसमें वो अपने समर्थकों से कहते हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग एक हिंदू लड़की को ले जाएंगे तो हम उनकी कम से कम 100 लड़कियों को ले आएंगे। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू बालिकाओं। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा था कि 5 साल पहले के उनके अलग अलग दिए बयानों को जोड़कर इसे साजिशन तैयार किया गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान के जवाब में यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जोरदार पलटवार भी किया था। आजम ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन की हिंदू पत्नियों का हवाला दिया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने तो लव जिहाद में बॉलीवुड की खान तिकड़ी तक को लपेट लिया। साध्वी प्राची ने कहा था कि शाहरुख, आमिर और सलमान खान लव जिहाद के लिए जिम्मेदार हैं। इन तीनों खानों की फिल्मों से हमारे बच्चों को समुचित संस्कार नहीं मिलता। तीनों खानों की तस्वीरें उतार कर होली जला दो। साध्वी ने बयान इसीलिए दिया क्योंकि शाहरुख खान की पत्नी गौरी हिंदू हैं। इसी तरह आमिर खान की पत्नी किरण राव भी हिंदू हैं। आमिर की पहली पत्नी रीना भी हिंदू थी। पिछले साल 23 और 24 अगस्त को यूपी के मथुरा में हुई बीजेपी की 2 दिन की कार्यकारिणी में भी लव जिहाद का मुद्दा उठा था और बैठक में लव जिहाद के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव भी पारित हुआ था। बीजेपी सांसदों और नेताओं की जहर भरी जुबान की ये बानगी भर है। बीजेपी की भगवा ब्रिगेड मोदी सरकार के बनने के बाद से लगातार लव जिहाद की चिंगारी को हवा दे रही है। सवाल है आखिर क्यों, क्या है उनका मकसद? क्या लव जिहाद के नाम पर ध्रुवीकरण की सियासत तेज कर रही है बीजेपी? क्या इस तरह ध्रुवीकरण की पतवार थामकर बिहार यूपी जैसे राज्यों में चुनाव की वैतरणी पार करने की जुगत में है बीजेपी? आज तक ब्यूरो।